अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 7 है। सीक्वेंस एंड सीरीज जो यूनिट है, ठीक है, तो इसमें देखिए हम क्या कह रहे हैं। थ्योरम है हमारे पास, छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं। ये थ्योरम है, इफ़ पी इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, पी जो है यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर दिया गया है, देन प्रूव दैट लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/(n)p इज़ इक्वल टू 0। आपने क्या शो करना है कि यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस की nth टर्म दी गई है ना, इस सीक्वेंस की इस फॉर्म की कोई भी आपके पास सीक्वेंस है, तो शो बेसिकली ये करना है कि इस फॉर्म की कोई भी सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज करती है, 0 को कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो ये शो करना है, तो आपको पता है कि उसके लिए क्या करना होगा, हमें क्या प्रूव करना होगा कि हमने कि अगर आपके पास इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एन जो है एक नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, बट पी जो है आपके पास कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन होना पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए। ये जो पी है इसकी वैल्यू आप फिक्स करेंगे कि किसी भी रियल नंबर के लिए आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरम है, ये रिज़ल्ट है, ये फॉर ऑल रियल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए आप इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं कि इस फॉर्म का कोई भी आपके पास सीक्वेंस आ जाती है तो वो ऑलवेज किसको कन्वर्ज करती है, 0 को। ये हमने प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको पता है कि जो हमारे पास जो कैपिटल एन होता है, पॉजिटिव इंटीजर एन होता है, वो हम उन्हें खुद से सिलेक्ट करना होता है। तो ये वी सपोज दैट, तो यहाँ पे हम कैपिटल एन खुद से सिलेक्ट कर लेते हैं। कैपिटल एन जो है 1/(ε) एज ए होल पावर 1/(p) हमने खुद से सिलेक्ट किया है। तो आपको पता है बोथ साइड पे अगर आप पावर लेंगे एन, पावर लेंगे पी, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलें, इफ़ लेट किया हमने कि स्मॉल एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, कैपिटल एन है, दोनों साइड पे पी पावर अप्लाई कर दें, दोनों साइड पे जब आप पी पावर अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक हो गया। चलें, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप यूज़ कर रहे हैं कि कैपिटल एन पावर पी किसके इक्वल है, 1/(ε) के, यहाँ 1/(ε) आपने रिप्लेस किया है। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होती है आपके पास कि इन दोनों वैल्यूज़ का जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई है, ठीक हो गया। इसको आप एब्सोल्यूट फॉर्म में लिख लें, देखें एब्सोल्यूट इसकी जो है ना मॉड अगर आप अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। देखें आपके पास क्या आ रहा है, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन, तो आपके पास क्या रिजल्ट निकला है, देखें बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, तो देखें इनका जो डिफरेंस है किसी एप्सिलॉन से लेस है एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन, तो ये किसकी डेफिनेशन होती है, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की। क्या शो हुआ कि ये जो आपके पास सीक्वेंस थी जिसकी ये nth टर्म थी, ये कन्वर्ज कर गई है 0 को। तो इसको आप इस फॉर्म में भी तो राइट कर सकते हैं ना, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो 1/(n)p अप्रोचेज टू 0, तो ये हमारे पास दोनों वे से हम इसे राइट कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट एक और हमारे पास थ्योरम है, चलें नेक्स्ट एक और रिज़ल्ट है। इस रिज़ल्ट में देखें क्या दिया हुआ है कि थ्योरम की शेप में हम इसे प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे इन जर्नल हम प्रूव करते हैं, थ्योरम मीन के इन जर्नल हम प्रूव कर रहे होते हैं। यहाँ पे कोई भी आप पॉजिटिव रियल नंबर ले सकते हैं, बट एन जो है वो नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव यानी कि हर एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो इस फॉर्म की अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस होगी तो वो कन्वर्ज करेगी किसको, 1 को, ये हमने शो करना है। अब आपको पता है यहाँ पे उन्होंने गिवन है कि पी जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो अगर पी पॉजिटिव रियल नंबर है तो आपके पास अकॉर्डिंग टू द पी, मतलब अगर हम देखें तो पी के जो केसेस बन सकते हैं, पी ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, पी इज़ इक्वल टू 1 भी हो सकता है, पी लेस देन 1 भी हो सकता है। चलें 3 केसेस हम इसके बना लेते हैं। केस फर्स्ट है हमारे पास, इफ़ पी को लेट करते हैं कि 1 के इक्वल है, देखें यहाँ पे पी को हम रिप्लेस कर देते हैं 1,
वन रिप्लेस करेंगे, वन की पावर वन ओवर एन, वन की एनी पावर हो तो रिज़ल्ट वन आता है, तो आप इसकी जब लिमिट लेंगे तो वन नहीं आ जाएगा, ठीक हो गया, तो वन के लिए प्रूव हो गया। चले सेकंड हम केस ले लेते हैं, केस सेकंड है इफ़ पी ग्रेटर देन वन है, पी ग्रेटर देन वन ले लेते हैं, कंसीडर दैट, हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक्स एन इज इक्वल टू पी पावर वन ओवर एन माइनस वन, ठीक हो गया। अब आपको पता है पी वन से ग्रेटर है तो ये जो रिज़ल्ट आएगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक हो जाएगा, तो ये एक्स एन जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो पी पावर वन ओवर एन रीअरेंजिंग कर लिया ना, देखें माइनस वन को इस साइड पर शिफ्ट कर दिया, तो पी पावर वन ओवर एन क्या आ जाएगा, एक्स एन प्लस वन। तो इस पावर को रिमूव करने के लिए बोथ साइड एन पावर ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स पावर एन, ठीक हो गया। तो इसको हमने एक्सपेंड करना है, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए पावर एन है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आप इस पे यूज़ कर लेंगे या बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ कर लेंगे, यूजिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन फॉर वन प्लस एक्स पावर एन, तो इसको एक्सपेंड करना है आपने, तो बाइनोमियल थ्योरम लगा दें इस पे, देखें बाइनोमियल थ्योरम आपके पास आ जाएगा। तो फॉर ऑल टर्म्स जो हैं इज इक्वल टू है, तो अगर हम ओनली ये टर्म ले लेते हैं, इस साइड से हमने इसको रिमूव किया है, तो आपके पास क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, माइनस वन को हमने इस साइड पर शिफ्ट किया है, ये आपके पास ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एन कर देते हैं, डिवाइडेड बाई एन करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। इसमें हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देखें जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो ज़ीरो नहीं है, ग्रेटर देन वन है, मीन के पी ग्रेटर देन वन है, तो कोई भी वैल्यू है ना ऊपर, तो नीचे जब इन्फिनिटी आएगी तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये वैसे आ जाएगा और ज़ीरो की लिमिट ज़ीरो, ठीक है। तो इसका इससे क्या रिज़ल्ट निकलता है हमारे पास कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू क्या है, ज़ीरो आपके पास आ जाएगा। तो लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स एन की जो वैल्यू हमने लेट की थी वो आप इसमें रिप्लेस कर दें, चलें वन को उधर शिफ्ट कर दें, तो ये आपके पास सेकंड केस हो जाएगा प्रूफ, ठीक हो गया, सेकंड केस के लिए ये प्रूफ हो गया। अब थर्ड केस हमारे पास क्या है, हमने फर्स्ट में p इज इक्वल टू वन के लिए इसको प्रूफ किया, p ग्रेटर देन वन के लिए प्रूव किया, तो अब p लेस देन वन के लिए आप इसे प्रूफ कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि आपने p लेस देन वन लिया, बट p है तो पॉजिटिव वैल्यू ना, पॉजिटिव रियल नंबर है, ज़ीरो से ग्रेटर है, वन से लेस है। चलें हम कोई q ले लेते हैं, q कोई हमारे पास वैल्यू है, q ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो है बट किस तरह की वैल्यू है कि वन, देखें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर आप लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल ज़ीरो वन से लेस होता है, ज़ीरो से तो ग्रेटर ही रहेगा, तो p को हम लेट कर लेते हैं वन ओवर q के इक्वल, तो बोथ साइड वन ओवर n पावर ले लें, ये आपके पास आ जाएगा, और लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आप n की जगह जब इन्फिनिटी लेंगे, n की जगह पे लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो वन ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो, तो वन किसी भी वैल्यू की पावर ज़ीरो वन होता है, तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ऑल द केसेस, इन ऑल द केसेस ये थ्योरम प्रूव हो चुका है, ठीक है। इसमें जो भी कोई होगा तो आप बताइएगा इसमें।